हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज जो है ना, अधिकानी के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी, आज दिन है सैटरडे का। तो ये बस बच्चों को मैं जल्दी जल्दी नाश्ता करा रही थी, फिर मैं मुझे इनको रेडी कराने, और फिर जो है ना ये मैं वाइबा से पूछ रही थी कि वाइबा क्या खा रही हो, वाइबा मुँह खोल के दिखा रही हो, कुकीज खा रही हो। तो बस इसी के साथ आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज अधिका आनिया का रिजल्ट मिला है। वाह, अधिका के मार्क्स आए 90 में से 87.5। एक नंबर आर्ट्स में कम आया है, एक नंबर उर्दू में कम आया है। और अधिका और हानिया का तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया है, फुल मार्क्स आए हानिया के। देखो 50 में से 15, 15 में से 15। हाँ, अधिका ने बहुत अच्छी तैयारी करी थी, ए प्लस आया अधिका का रिजल्ट। खुश हो ना आप? है ना, इतने चमाटे खाए आपने मुझसे, है ना, जब याद नहीं होता था। बाबा कह रहे ये नहीं बोलो चमाटे खाए अधिका ने। अधिका के स्टार गिर रहे निकल निकल के। लाओ लगाओ इधर, निकल रहे हैं वो, मोड़ा है ना शीट आपकी, मोड़ी है ना। देखो पापा, जो है ना 28 अक्टूबर है आज, जो है ना अधिका आनिया के जो असाइनमेंट हुए हैं ना मंथली, उसका रिजल्ट आया है। तो आनिया के फुल मार्क्स आए, और न्यू रिजल्ट मैंने मम्मा ने दिलाई है, और ये हानिया का रिजल्ट रखा हुआ है यहाँ पे। हानिया, तो मैंने आज सुबह इन दोनों को रेडी किया था, आज पेरेंट्स मीटिंग थी स्कूल में, तो वो मिड टर्म के बारे में बता रही थी। अभी 6 अक्टूबर 7 नवंबर मिड टर्म स्टार्ट हो रहा है इनका, तो बस अभी जो है ना स्कूल से आए हम लोग रिजल्ट लेके। रिजल्ट देख के इतनी खुशी, हानिया की तो इतनी तारीफ़ कर रही थी उसकी टीचर, और अधिका की टीचर ने बताया कि अधिका इस स्टोरियाँ सुनाती है उनको बहुत सारी, है ना अधिका, स्टोरियाँ सुनाती हो आप टीचर को, आप बातें करती हो ना टीचर के साथ बहुत सारी। तो मैंने बोला हाँ, अधिका के पास बहुत सारी स्टोरियाँ जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। और परसेंटेज आई है अधिका की 97.2, और बाकी अधिका का रिजल्ट भी अच्छा आया है। अधिका का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है, दोनों की रिजल्ट देख के ना बस खुशी, इतनी मुझे खुशी हो रही। और जो है ना, जब मैं लेके ये निकल रही थी ना, तो वहाँ पे मुझे 2-3 मदर मिली, उन्होंने मुझसे पूछा आपके बच्चे का क्या ग्रेड बनाए, क्या मार्क्स आए, दिखाएं दिखाएं। तो मैंने उनको दिखाया, तो वो लोग भी खुश हो रही थी। और जो अधिका आने की पुरानी टीचर्स थी वो भी मिली, उन्होंने भी देखा, वो भी बहुत खुश हो रही थी। और जो है ना बस मुझे तो ज़्यादा खुशी हो रही है। सारी मेहनत जो है ना इनकी ट्यूशन वाली टीचर की है, वो इतनी मेहनत करती है इनके ऊपर, और जो है ना फिर ये घर पर आती है, फिर मैं इनसे सब चीज़ें सुनती हूँ, बस जो है ना सारी मेहनत वसूल हो गई, बहुत खुश हुई। तो बस अब मैं इनको चेंज वेंज कराती हूँ, फिर मैं जाती हूँ दोबारा सोने के लिए। तो अभी तो मैं इसको ऐसे रख दूँगी कहीं पे, फिर बाद में इसको सोचेंगे क्या करना है, फ्रेम करवाना या प्लास्टिक कोडिंग करवानी है, क्या करवाना है इसका। और अभी जो है ना हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता सब कर लिया, ये बच्चियाँ खेल रही हैं यहाँ पर, क्या कर रही हो? ये आप ही कर सकते हो, ये हम नहीं कर सकते। तो अब अधिका ने आपको डांस करके भी दिखा दिया, आप लोगों को इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। ये देखें, और एंटरटेन कर रही है अधिका आपको। वो जो है ना पूरा घर फैला हुआ, अभी वाइबा ने पोटी कर दी है, इसको जा रही हूँ मैं वॉश कराने के लिए। चलो वाइबा चलो, और अभी सफाई वाली आंटी नहीं आई है, अभी वो आने वाली है। अभी हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया था, तो ये सब फैला हुआ है, और वॉशरूम में भी कपड़े उपड़े पड़े हुए, लाइट चली गई, ड्राई होंगी इनके मामा की पेंट है पैरोड, जो अभी तक बोलने भी नहीं लगे, इतना डरते ही हमसे, डरते ही रहते हैं। और यहाँ पे मैंने इनके यूनिफॉर्म वॉश करके रखे हुए, अभी इनको सुखाना है, ये वाले ड्राई हो गए थे तो मैंने इनको बाहर ला के रख दिया, और जो है ना अभी ड्राई नहीं हुए थे, लाइट चले गई, तो वो वॉश। तो अभी जो है ना वाइबा को मैंने नहला के बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया, और ये सूट जो है ना वाइबा का मैंने सिया था, जो वाइबा देख रही है मम्मा ने क्या पहनाया है, इसके पीछे मैंने ये भी लगाए थे, और ये वाइबा ने खुद से पाउडर लगाया अपने मुंह पे। जी जी बेटी, आंटी क्या बोल रही है? चलो शूज़ पहनाओ, शूज़ पहनाओ वाइबा, अधिका नहीं परेशान करो, फैन ऑन।
तो अभी जो है ना, मैं और इनके पापा गए थे मार्केट, कुछ चीज़ें ले रही थी, वो लेकर आए खाने पीने की, बच्चों की और राशन चाहिए था थोड़ा, वो लेकर आए। और जो है ना, अधिका आने की चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी इनका, जो है ना आप में अधिका आने के ना, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, लॉन्ग लास्टिंग भी। और जो है ना, सुबह लगाती ना मैं, शाम तक के स्मेल रहती है इसकी। और इन लोगों के देखें ब्रश भी ना ख़राब हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, ये वाले ना टूट, ये मैं 2-3 दफ़ा लाई हूँ, ये टूट जाते हैं, तो मैंने इस पर पौनी लगाई हुई थी, इसको इस तरीके से किया था, तो ये जो है ना दोनों ही ख़राब हुए थे अधिका आनिया के ना, ये वाला तो इसकी हालत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हुई है। तो फिर अब जो है ना मैं नया ब्रश ले आई हूँ उन लोगों के लिए ना। ये है रेनबो कलर का, ये नहीं तोड़ेंगे अब अधिका आनिया। इसके भी ये सॉफ्ट है और जो है ना इनके भी सॉफ्ट है, तो ये इससे करती हूँ अधिका के बालों में ना। शुरू से जो है ना मैं इन वाले ब्रश से करती हूँ अधिका के सर में ना, और वाइबा को भी उसी की आदत है, हानिया को भी उसी की आदत है, तो फिर ये सॉफ्ट वाला ढूंढ के मैं ये लेकर आई हूँ, जिसकी ये चीज़ सॉफ्ट हो ना, रबड़ की बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे ये, तो बड़े मज़े का लग रहा है अभी वाला ब्रश। दिखाओ मम्मा, करे मम्मा, वही अभी तो वाइबा कब्जा करके बैठी हुई है, वाइबा नहीं दे रही किसी को, वाइबा दे दो मम्मा को। ओहो अधिका ने बाल बनाए अपने, वाह। आप क्या कर रही हो? किसने बोला ऐसा हेयर स्टाइल बनाओ? इसलिए उनकी जो है ना घर में पहनने वाली स्लीपर इतनी ख़राब हो रही थी, तो अब जो इतने टाइम से मैं कह रही हूँ न्यू ले ले, न्यू ले ले, तो अब जाके उन्होंने न्यू लिए, तो ये मैंने पसंद करी थी, अच्छी लग रही। मैं पहन के दिखाऊँ आपको, ये देखिए